जिस फ्लैट से दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार उससे तेजस्वी यादव भी रहेंगे बड़ी सियासी हलचल। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सरकार बनाने से पहले आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है, इसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। चिराग पासवान और मांझी को भी बुलाया आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बुधवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एनडीए की बैठक है जिसमें वह हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश कुमार जिस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे। सुबह 10:45 पर फ्लाइट थी। नीतीश के साथ चिराग और मांझी भी पहुंचे दिल्ली। दोनों नेताओं के एक फ्लाइट में जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सरकार बनाने से पहले आज दिल्ली में एनडीए की बैठक। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए से जुड़े तमाम दल के नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को भी दिल्ली बुलाया गया है, वह भी बैठक में शामिल होंगे। चुनाव के नतीजों के बाद आज का दिन भी काफी अहम माना जा रहा है। तेजस्वी के साथ जाने से क्यों बड़ी हलचल? बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा जैसे ही बीते मंगलवार को सामने आया तो यह बात भी सामने आई कि कांग्रेस नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार के संपर्क में है। एनडीए के घटक दलों से कांग्रेस ने संपर्क करना शुरू कर दिया है। इसके बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी कह दिया था कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ एक ही फ्लाइट में जाने से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बिहार में एनडीए ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो 9 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। वहीं पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत हासिल की है। दिल्ली में उधर इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी है। माना जा रहा है इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगी।